शनिवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 399 केंद्रों पर 19,385 लोगों को कोविड का टीका लगाया गया, जिससे फर्स्ट डोज लेने वालों में 3,274 लोग तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 13,773 लोग शामिल रहे। जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि जनपद में प्रथम डोज 3,274, सेकेंड डोज 13,773 तथा 15 साल से 17 साल के छात्र छात्राओं का 1,399 टीकाकरण किया जा चुका है और बूस्टर डोज लगभग 1,670 लोगों को लगाया गया है। उन्होंने बताया कि बूथों पर काफी मात्रा में लोग टीका लगवा रहे हैं। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि कोविड के नियमों का भी पालन करें और जो लोग टीका नहीं लगवाए हैं वह टीका लगाएं ताकि हम इस कोरोना महामारी से सुरक्षित रह सकें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, आज जनपद गोरखपुर में 399 स्थानों पर टीकाकरण किया गया। 319 18 प्लस के लिए बूथ बने थे और 78 बूथ हमारे स्कूलों में बने थे जहां पर 18 साल से कम के बच्चों का टीकाकरण किया जाना। आज अभी तक प्रथम खुराक जो है 3,274 लगी है, द्वितीय खुराक 13,773 लगी है और 18 साल से कम उम्र के बच्चों में 1,399 लोगों को लगा है और प्रकाशन डोज जो है 1,670 लोगों को लगा है। इस प्रकार अभी तक जो है 19,385 लोगों को टीकाकरण किया जा चुका है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं गोरखपुर निवासियों से अनुरोध करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग टीका लगवाएं, कोविड के लक्षण को छिपाएं नहीं, कोविड से बचाव का जो मूल सिद्धांत है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन के साथ साथ अवसर प्राप्त होने पर टीकाकरण अवश्य कराएं। धन्यवाद।